नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स ब्लॉग। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो मेरे पिछले 3 वीडियो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, लेकिन अभी भी जितने वीडियोज की रीच जाती है उतने सब्सक्राइबर नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जब इतना ही हेल्प कर ही रहे हैं तो अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छे कंटेंट लाएंगे, व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, जो जेन्युइन हो सके, जो दिखाना हो कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, हमारे यहाँ के फेस्ट जो होते हैं मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आई बात कि मेरे वीडियोज पे जो कमेंट आते हैं पिछले 3 वीडियोज में, उसमें मैक्सिमम रैगिंग को लेके होता है और दूसरा कट ऑफ को लेके होता है। तो मैं देखो दोस्त, चाहूँ तो मैं अभी कट ऑफ का कोई भी वीडियो बना सकता हूँ, और आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके जो मार्क्स हैं उस पे कितनी रैंक आती है, रैंक से ज़रूर डिसाइड हो जाता है कि आपके कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि देखो पिछले साल से कटअप ज़्यादा जाने वाला है, ये मान के ही रखो कि कटअप पक्का इस बार ज़्यादा जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि कटअप नहीं जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने पेपर का पैटर्न देखा है पिछले साल और इस साल का, उससे लग नहीं रहा है कि इस बार कटअप लो जाने वाला है। और मैंने जितने लोगों से बात की है उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, और जब मैंने उनसे वो पूछा कि पेपर कैसा था तो उन्होंने बताया कि ये इजी टू मॉडरेट वाला पेपर था। तो आप मान के चलो, देखो घबराने का बात नहीं है, जिनके 600 से 615 नंबर आ रहे हैं थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन आपके पास एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है पेशेंस, और मेडिकल फील्ड में पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि रैगिंग के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बाल कटा रखे थे, तो उस पर मेरे बहुत सारे कमेंट आए कि रैगिंग होती है IGMS में। ऐसा कुछ नहीं है, देखो दोस्त, रैगिंग के लिए एक कमेटी बनती है, और आपको पता होना चाहिए कि जिसके खिलाफ अगर आप डाल दें, आपका नाम भी नहीं आता है और उस रैगिंग और उसके खिलाफ वो पूरा प्रक्रिया हो जाता है। अगर सपोज दैट कि अगर आप जूनियर हैं और आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है या फिर आपको बोल रहा है, तो आप NMC में कंप्लेन डाल सकते हैं, और उस कंप्लेन के बेसिस पे आपका नाम भी उजागर नहीं होता और उस सीनियर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा है, देखो आप भी जूनियर, आप आज जूनियर हो लेकिन कल सीनियर बनोगे, और आप समझ जाओगे ये बात को। सीनियर और जूनियर का इंट्रैक्शन मेडिकल कॉलेज में बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैं भी कभी सपोर्ट नहीं करता कि फिजिकल रैगिंग होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए किसी। आप आना, आप जाओ किसी भी कॉलेज में, वहाँ एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो और आप बोलो और कोई सीनियर आप पर दबाव बनाए, ये सरासर गलत है। इसीलिए बार बार प्लीज़ कमेंट में ये बोलना कि IGMS में रैगिंग होती है या किसी भी बिहार के कॉलेज में रैगिंग होती है, तो ये गलत है। तो कृपया करके ऐसा माहौल ना बनाए, और थोड़ा सा वेट करें कि कट ऑफ क्या होगा। कुछ दिनों में रैंक आ ही जाएगी, और उसके बाद काउंसलिंग कराने के लिए भी मैं बताऊंगा। और जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों को यार, और अगर आप लोगों में भी किसी का अच्छे रैंक आए और कोई कॉलेज मिले तो आप इस चैनल पे आना चाहो तो प्लीज़, मेरा जो चैनल है डॉक्टर्स ब्लॉग, उसके यूट्यूब चैनल का जो इंट्रो पार्ट है उसमें मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट दे रखा है, प्लीज़ वहाँ पर DM करूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।